सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर हमारी आज सुबह वाली वीडियो में मैंने इसके लेवल्स आपको बताए थे इंट्राडे के लिए, और स्टॉक के हमारे जो इंट्राडे के लेवल है वो अचीव हुए हैं, और स्टॉक का जो हमारा प्रॉड बुकिंग का टाइम था वो यहाँ पर अब बन रहा है। आप देखोगे 120 रुपये का हमारा आज का टारगेट था स्टॉक का, ठीक है। 115 रुपये के आसपास शेयर था सुबह, वहाँ से आप देखोगे 120 रुपये का टारगेट स्टॉक ऊपर में पहुंचा 121 रुपये 50 पैसे के भाव तक, यानी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी मुझे लगभग 5% के आसपास जो शेयर है वो चलते हुए नजर आया था। और प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 115 रुपये समथिंग इसके हमें देखने को मिली थी, 112 रुपये 50 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस था। नीचे में आपने सुबह वाली वीडियो देखी होगी तो ये हमारा स्टॉप लॉस और हमारा जो ऊपर में टारगेट था वो 120 रुपये का अचीव हो चुका है। और रही बात अब क्वार्टर फोर की, तो क्वार्टर फोर से पहले हमें, आप देखोगे अभी तक क्वार्टर फोर के जो आंकड़े हैं वो पब्लिश नहीं की गई कंपनी के द्वारा, अभी तक मेंशन नहीं हुए हैं क्वार्टर फोर के आंकड़े। तो जैसे ही क्वार्टर फोर के आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में अब यहां से घुसना चाहिए या फिर नहीं घुसना चाहिए। देखो भाई, क्या पता मार्केट के बाद आए, लेकिन उससे पहले स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाए रखना अब सही है। प्रॉफिट जो होना था वो हो चुका है, प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। 120 रुपये के आसपास शेयर अगर आपने सुबह इंट्राडे मेरी वीडियो देखकर किया है तो यहाँ से आप लोग देखोगे 112 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस था, 120 का टारगेट अचीव हो चुका है, हमने भी बुक किया है, आप भी यहाँ से जो है प्रॉफिट बुक कीजिए। और अब हम वेट करेंगे किसका, क्वार्टर फोर का। क्वार्टर फोर अगर पहले आ जाता है मार्केट से, टाइम तो वैसे आप देखोगे भी 3:15 से 4:15 के बीच का है, ठीक है, 3:15 से 4:15 के बीच का इसका टाइम है, लेकिन क्या पता अभी इससे पहले भी आ जाए, वो तो एक्सपेक्टेड टाइम है। तो इससे पहले आ जाता है तो आप लोग देखोगे इसके रिजल्ट से पहले हमें जो ना अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसा वैसा स्टॉक को जो प्रॉफिट हो चुका है प्रॉफिट लीजिए, या फिर आपने नहीं खरीदा है तो कोई बात नहीं, खरीदने के बारे में सोच रहे तो अभी दूरी बनाओ भाई, क्या पता ऊपर के लेवल से आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई है तो यहाँ से शेयर जो ना फिर से वापसी नीचे आ सकता है, तो थोड़ा यहाँ से संभल के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट है। तो अब यहाँ से एग्जिट लेना सही है, प्रॉफिट बुक कीजिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले वो तो देखो भाई यहाँ पर बैठेंगे, उन्हें तो कोई रोकने वाला है नहीं, लेकिन जो इंट्राडे स्विंग ट्रेड कर रहे थे उसके लिए एग्जिट का टाइम है, एग्जिट लो। क्वार्टर फोर के बाद घुसेंगे स्टॉक के अंदर, अगर अच्छे आए तो यहाँ से 150 प्लस के टारगेट पक्के हैं, और अगर ख़राब आए तो 101-102 रुपये के आसपास शेयर आएगा पक्का, तो ये इसके लेवल्स रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे सबसे पहले चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, तुरंत आपको लेवल वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तब, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।